नमस्कार दोस्तों, आइए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जो कि है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलोहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है। आपके ऑप्शन हैं मिस्र की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आपका जो उत्तर है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अन्य ऑप्शन का भी हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के तट पर विकसित हुई थी मिस्र में। ये जो वैदिक सभ्यता है ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच में भारत में ही विकसित हुई थी, जहाँ पर पाकिस्तान है, सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं उसको, वहीं पर। और जो है ये आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। बेबीलोन की जो सभ्यता है ये यूनान की सभ्यता भी कहलाती है। और ये जो मेसोपोटामिया है ये आधुनिक इराक को कहते हैं। यहाँ जो सभ्यता पनपी थी उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरिया की सभ्यता कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है दूसरा प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल है, आपसे कार्यकाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। और लास्ट ऑप्शन है ज्ञात नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल है। जो अन्य ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, जो है ये वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी पूरा होता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है राय बहादुर दयाराम साहनी, जेम्स प्रसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम एंड रॉबर्ट ब्रूसफुट। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। 1921 में इस जगह को खोजा गया था। जो सबसे पहला नगर था वो खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में पड़ता था, ठीक है। मॉन्टगोमरी वर्तमान में ये पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला है, जहाँ पर सबसे पहला नगर खोजा गया था इस सभ्यता का, जिसका नाम है हड़प्पा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और ये जो हड़प्पा नगर है ये रावी नदी के तट पर पड़ता है। अन्य ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो जेम्स प्रसेप साहब हैं इन्हें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी 1837 में। 1837 में इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ये जो सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है वो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना इन्होंने की थी 1861 में। ASI की स्थापना की थी। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब हैं ये पुरापाषाण काल के औजारों की इन्होंने खोज की थी 1863 में। 1863 में इन्होंने पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की थी। तो इस तरह से आपको जो उत्तर है इस प्रश्न का वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि चौथा प्रश्न है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से संबंधित थी। आपके उत्तर के ऑप्शंस हैं कांस्य युग से, लौह युग से, पुरापाषाण काल से या नवपाषाण काल से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य जो है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, Cu+Sn जो है उसी को कांस्य कहते हैं। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। पुरापाषाण काल में जो आदमी ने खोज की थी वो है आग की खोज। तो आप जान लीजिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, आग की खोज पुरापाषाण काल में, और पहिए की खोज जो है वो नवपाषाण काल में हुई थी। लौह युग की बात करें तो लोहे की खोज 1000 BC में हुई थी, एटा के पास अतिरंजी खेड़ा में 1000 BC में लोहा खोजा गया था। और उससे बाद से कर कहें तो जो है वो लौह युग में आता है, बाद के काल आज तक जो है वो लौह युग में ही आता है। तो इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम पांचवें प्रश्न पर चलते हैं अपने। पांचवा प्रश्न है किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, तीसरा ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगट ने, और चौथा ऑप्शन है पटेंद्री फैंथलर ने। तो जो आपका उत्तर है वो है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी या ट्विंस कैपिटल कहा। क्या कहा? ट्विंस कैपिटल कहा है इनको। तो ये आपका जो उत्तर है वो है स्टुअर्ट पिगट। अन्य ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ये जो अल्फ्रेड मार्शल है ये वास्तव में कोई इतिहासकार या एएसआई के आदमी नहीं थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, और ये लंदन के रहने वाले थे। इनकी एक किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि अर्थशास्त्र की दुनिया में बहुत ही मशहूर किताब है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
हाँ, ये ऑप्शन के बजाय एक और ऑप्शन हो सकता था, सर जान मार्शल। सर जान मार्शल जो है वो उन्होंने मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई खुदाई जो है उन्हीं के नेतृत्व में की गई थी, उनका नाम था सर जान मार्शल। लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिस्ट थे। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम जो है खोज की थी इस सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज हुई थी, तो ये दयाराम साहनी ने ही इस सभ्यता की खोज की थी 1921 में। स्टुअर्ट पिगट इसका उत्तर ही है, मैंने बताया। और ये जो पाटेंद्री फेंथलर हैं, इन्होंने 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। किस सन में? 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज पाटेंद्री फेंथलर द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आपका जो पांचवा प्रश्न है ये पूरा होता है। अब हम चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर, जो कि है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। आपके ऑप्शन है लोथल, सुत कांगेडोर, अलाहदीनो और ए बी सी तीनों। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ए बी सी तीनों, जो है लोथल, सुतकांगेदोर और अलाहदीनो, तीनों के तीनों ही जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे। लेकिन जो इसमें लोथल है ये सबसे बड़ा बंदरगाह, और जो अलाहदीनो है वो इन नगरों में सबसे छोटा था। जितने भी सर्च किए गए हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सबसे छोटा था ये अलाहदीनो। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। सबसे बड़ा बंदरगाह है लोथल और ये तीनों के तीनों हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मध्य मुख्य अंतर था। आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला ऑप्शन है सिंधु घाटी के निवासी भूमध्य सागरीय द्रविड़ थे, जबकि वैदिक सभ्यता के निवासी आर्य थे। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर है वो है ए और बी दोनों। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी भूमध्य सागरीय द्रविड़ थे, जबकि वैदिक सभ्यता के निवासी आर्य थे, ये भी ऑप्शन सही है। इस तरह से आपका दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका उत्तर हुआ सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। इस तरह से सातवां प्रश्न पूरा हुआ। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है इनमें कौन सा पशु सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय था। आपके ऑप्शन है घोड़ा, गाय, कुबड़ वाला सांड या फिर भैंसा। आपका जो उत्तर है वो है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष रूप से पूजनीय था। इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी हुआ। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है नौवा प्रश्न। उसमें पूछा गया है कि मोहन जोदड़ो नगर किस नदी के किनारे स्थित था। आपके ऑप्शन है रावी, झेलम, ब्यास या फिर सिंधु। तो आपको जो उत्तर है वो है सिंधु नदी के किनारे। मोहन जोदड़ो नगर जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। ये रावी नदी के किनारे जो नगर पड़ता था वो था हड़प्पा। तो इसका उत्तर जो है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहन जोदड़ो नगर पड़ता था। अब चलते हैं अपने दसवें प्रश्न पर, जो है पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता या फिर फारस की सभ्यता। तो जो कपास है वो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में उगाया गया। तो इस तरह से आपका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है ग्यारहवां प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। आपका उत्तर है तांबा, कांस्य, लोहा और फिर लास्ट ऑप्शन है सोना। तो जो आपका उत्तर है वो है लोहा। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, बाकी तांबा, कांसा और सोने से वो लोग क्या थे, परिचित थे। लोहे की खोज 1000 BC में हुई उत्तर वैदिक काल में। अतिरंजित खेड़ा नाम का एक स्थान है एटा के पास, वहीं पर। तो इस तरह से 1000 BC में सबसे पहले लोहे का प्रमाण मिला, जिसको तब श्याम अयस्क कहते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसको नहीं जानते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपका ऑप्शन है 25 लाख वर्ग किलोमीटर, 29 लाख वर्ग किलोमीटर, 18 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो आपका उत्तर है वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जितने क्षेत्रफल में थी उसका वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपका उत्तर हो गया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन, विशेष नगर नियोजन, विशेष पंचायत या आध्यात्मिक विकास। तो जो आपका उत्तर है वो है विशेष नगर नियोजन। इनमें नगर जो है वो बहुत ही विशेष तरीके से बसाए गए थे, जिसमें कि ग्रीड पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रीड नाम की एक पद्धति है वो अपनाई गई थी, और बहुत ही व्यवस्थित नगर थे। कुछ में दरवाजे आगे खुलते थे और दो नगर जो है लोथल में जो है वो पीछे की तरफ जो है दरवाजे खुलते थे, लोथल मात्र में। और बहुत ही अच्छी नाली सारी व्यवस्था थी, या स्नानागार मिला कुछ जगह पर, अन्न भंडार गृह मिला। तो इस तरह से बहुत ही व्यवस्थित नगर व्यवस्था थी इनकी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है चौदहवा प्रश्न। इसमें पूछा है सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसल थी। पहला ऑप्शन है गेहूं एवं जौ,
दूसरा ऑप्शन है अरहर एवं मक्का, तीसरा ऑप्शन है मक्का एवं बाजरा, चौथा ऑप्शन है ज्वार एवं उड़द। तो जो आपका उत्तर है वो है गेहूं एवं जौ। सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो गेहूं और जौ जो है वो मुख्य रूप से उगाते थे। इस तरह से आपका उत्तर हुआ गेहूं और जौ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर जो कि है 15वां और लास्ट प्रश्न। इसका जो प्रश्न है वो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस नगर से प्राप्त हुई। तो जो आपका ऑप्शन है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एंड कालीवंगन। तो जो आपका उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है ये सबसे बड़ा नगर भी था, यहीं से जो है नर्तकी की जो है मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से ही क्या मिली थी, नर्तकी की मूर्ति। आपका आंसर है मोहनजोदड़ो। इस तरह से आपके सारे प्रश्न पूरे होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर से मिलेंगे आपको कई सारे सुंदर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।